ये है प्रभास सर का घर। ये बंगलो की उनकी प्राइस है ना 50 करोड़ रुपीज है। ये आप मेरे पीछे जो गोल्फ एज रेजिडेंस देख रहे हो ना, यहाँ पर रश्मिका मंदना रहती है। जो अखी ने लिखा है ना, ये वही घर है नागा अर्जुन सर का। बंगलो का नाम है 512M और ये है जूनियर NTR सर का। यहाँ पर ये घर है मनीष मल्होत्रा का। ये पूरा बोर्ड लगाया गया है मनीष मल्होत्रा का। है चिरंजीवी सर का यहाँ पर। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको साउथ के सेलिब्रिटीज का है ना घर दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद में के जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स ये सब है ना यहाँ के पॉश एरियाज है। यहाँ पर मतलब सभी लोगों के बंगलोज होते हैं ये हिल्स एरिया में। और वहीं पर अपने टॉलीवुड के काफी सारे सुपरस्टार्स जैसे प्रभास, अल्लू अर्जुन, रश्मिका, चिरंजीवी और भी बहुत सारे टॉलीवुड स्टार्स के घर है ना यहीं पर है। तो आज के ब्लॉग में ना मैं आपको सभी लोगों के घर दिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी मुंबई में काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के दिखाए हैं, तो चलो आज मैं आपको है ना सारे टॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहला जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ ये है प्रभास सर का घर, जो कि वन ऑफ द मेरे फेवरेट एक्टर्स है टॉलीवुड में से। और ये आप सामने जो पूरा ये गेट देख रहे हो ना, यही मेन गेट है उनके घर का, और इसके अंदर ही पूरा उनका लैविश बंगलो उन्होंने बना के रखा है। ये आप है ना कुछ अंदर के फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो। और ये बंगलो की उनकी प्राइस है ना 50 करोड़ रुपीज है। और ये पूरा बंगलो है ना 4 एकर्स में फैला हुआ है। जो आप एंड तक देख रहे हो ना ये वॉल्स, ये पूरा का पूरा उनका बंगलो का एरिया है। अभी कौन सा चल रहा है उनका? कौन सा? सलार। सलार मूवी आ रहा है? अच्छा अच्छा। आदिपुरुष शूटिंग चल रहा है उसका? अच्छा अच्छा। ये जो सामने आप ये वाला बंगलो देख रहे हो ना, ये बंगलो है अल्लू अर्जुन सर का, जो कि अपनी फैमिली के साथ वो यहीं पर रहते हैं। और ये बंगलो की प्राइस भी है ना अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 करोड़ रुपीज है। हम लोग है ना नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। ये वाला आप जो मैं व्हाइट और पिंक जैसा ये पूरा घर बंगलो देख रहे हो ना, ये है रामचरण सर का। तो ये भी है ना जुबली हिल्स में ही है ये वाला बंगलो। और ये भी इनकी ये बंगलो की प्राइस भी है ना अराउंड 80 करोड़ रुपीज है। तो देख सकते हो ये जुबली हिल्स एरिया में है ना इतने ज्यादा महंगे घर होते हैं सभी सेलिब्रिटीज के। और सेलिब्रिटीज ही नहीं, बाकी जो बिलियनर्स रहते हैं ना यहाँ पर, वो उनके सारे जुबली हिल्स में ही घर है। और यहीं पर आगे की तरफ भी है चिरंजीवी सर का घर, उनका और रामचरण सर का है ना दोनों का घर बाजू बाजू में है। तो अभी चलो मैं आगे है ना आपको उनका घर भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट लोकेशन पर हम लोग पहुँच चुके। ये आप मेरे पीछे ये जो इतना बड़ा गेट देख रहे हो ना, ये है चिरंजीवी सर का यहाँ पर घर। और ये घर की अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है ना 100 करोड़ रुपीज है। और ये इनका घर है ना ये जुबली हिल्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। आप मेरे ये तरफ से देख सकते हो, हमें है ना यहाँ पर हैदराबाद की पूरी सिटी का यहाँ से व्यू मिलता है, क्योंकि ये एरिया है ना ये जुबली हिल्स के सबसे टॉप पे है ये चिरंजीवी सर का घर। बहुत ही ज्यादा बड़ा है अंदर से, आप ये अंदर की इसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो। यहीं पर सामने जो आप गेट जैसा देख रहे हो ना, यहीं पर वो उसका मेन गेट है, और वो पीछे की तरफ उनका घर है। लेकिन यहाँ पर घर की तरफ है ना बहुत सारे पेड़ लगे, तो हमें घर का पूरा है ना व्यू नहीं मिल रहा है। पीछे ये जो देख रहे हो ये बंगलो का नाम है 512M और ये है जूनियर NTR सर का। तो ये बंगलो आप देख सकते हो, ये ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का बंगलो है, और यहीं पर जूनियर NTR सर है ना वो यहीं पर रहते हैं। और इसकी भी बंगलो की प्राइस भी है ना अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीज़ है। पैलेस जैसा उन्होंने बंगलो बना के रखा है, काफ़ी ज़्यादा लैविश भी है। अंदर के है ना काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स है ना वो अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते रहते, तो आप है ना उनके घर के अंदर के फोटोग्राफ्स देख सकते हो। ये तरफ सामने देख सकते हो, यही वाला है उनका घर का मेन गेट, और उसके बराबर बाजू में यहाँ पर है ये सिक्योरिटी का एरिया। ये देख सकते हो सामने जो अखी ने लिखा है ना, ये वही घर है नागा अर्जुन सर का। अपनी फैमिली के साथ है ना यही वाले बंगलो में रहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही है ना उनकी कार भी जस्ट बाहर आई थी, जो कि मेरे सामने। और ये आप बंगलो का अंदर का भी नजारा देख सकते हो, यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ये आप बंगलो के अंदर के पिक्चर्स भी देख सकते हो, जो कि साइड में आप देख सकते हो। और ये वाला पूरा बंगलो है ना पूरा 5 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ है। और यही वाले बंगलो के अंदर उन्होंने अपनी ऑफिस भी बना के रखा। मेरे पीछे ये जो बंगलो देख रहे हो ना, ये है विजय देवरकोंडा का। तो आप ये पूरा बंगलो का ओवरऑल लुक देख सकते हो, कि यार काफी शानदार बंगलो है। और ये है ना G+2 फ्लोर्स का बंगलो है। और अभी उनकी कार भी है ना आप देख सकते हो अंदर की तरफ ही खड़ी है, यहाँ के सिक्योरिटी मुझे बता रहे थे। और यहाँ के सिक्योरिटी वाले ये भी बता रहे थे कि अभी है ना वो घर के अंदर ही, आज उनका ऑफ डे था इसके लिए। और ये बंगलो की अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है ना अब अराउंड 50 करोड़ रुपीज है। देख सकते हो यार काफी लैविश बंगलो यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न स्टाइल में बना के रखा हुआ है। हम लोग है ना नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं। ये आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, ये बिल्डिंग का नाम है ना ऑरेंज कंट्री है। और यहाँ पर समंथा रहती है, ये बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर ही रहती है। और ये
घर की उनकी प्राइस है ना अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीज़ है। मतलब उनका है ना यहाँ पर डुप्लेक्स फ्लैट है और पूरा फ्लोर ही उनका है यहाँ पर। तो देख सकते हो इतने बड़े घर में वो यहीं पर रहते हैं। ये आप मेरे पीछे जो गोल्फ एज रेजिडेंस देख रहे हो ना, यहाँ पर रश्मिका मंदना रहती है। तो वो है ना ये बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर रहती है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अभी मुझे बता रहे थे कि वो है ना यहाँ पर अभी घर पर नहीं है, वो शूट के लिए कुछ तो मुंबई गई है। मैंने जितना देखा ना वो ज्यादातर टाइम तो वो मुंबई में ही रहते हैं। मैं भी एक बार है ना उनको मुंबई में मिला था। ये घर है ना उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर परचेज किया और वो 8th फ्लोर पूरा उनका ही है यहाँ पर। और अंदर से ये घर है ना बहुत ज्यादा लैविश है। नेक्स्ट लोकेशन पर हम लोग पहुंचे, यहाँ पर ये घर है मनीष मल्होत्रा का। मनीष मल्होत्रा वैसे रहते हैं मुंबई में, लेकिन उनका एक घर है ना यहाँ पर हैदराबाद में भी है और उनका क्लोथिंग स्टोर भी है साथ में। आप ये तरफ देख सकते हो ये पूरा बोर्ड लगाया गया है मनीष मल्होत्रा का। और मैं आपको यहाँ पर गेट से दिखा देता हूँ, तरफ से आप देख सकते हो ये है कुछ अंदर का लुक। यहाँ पर उनका क्लोथिंग स्टोर भी है और वो उनका रेजिडेंस भी है। वो जब भी हैदराबाद में आते हैं ना तो इन्हीं वाले घर में रुकते हैं। और यहाँ पर आप उनकी नेम प्लेट देख सकते हो, मनीष मल्होत्रा लिखा गया है जहाँ पर। तो वो है तो फैशन डिजाइनर, लेकिन उनका यहाँ पर स्टोर भी है और घर भी है हैदराबाद में भी। मैंने आपको दिखाई दिया यही सारे थे यहाँ पर टॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ये घर, जो कि जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और फिल्म नगर में सिचुएटेड थे। आपने भी देखा ये सारे लोगों के घर है ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये सब एरिया में है ना बाकी के जो हैदराबाद के मिलियनर्स और फिर पॉलिटिशियंस है ना वो सारे लोग भी है ना यही पॉश एरिया में रहते हैं सब लोग। तो आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हो तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस अभी हम यहाँ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम गुड बाय।